भले ही लॉकडाउन की वजह से क्रिकेट पूरी तरह से ठप हो चुका हो, लेकिन टीम इंडिया के विकेटकीपर एमएस धोनी पहले की ही तरह खबरों में बने हुए हैं। इन दिनों धोनी अपने नए वीडियो की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। सीएसके ने एमएस धोनी का एक नया वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। बता दें, इस वीडियो में एमएस धोनी ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। एमएस धोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कार और बाइक्स के शौकीन एमएस धोनी ने ये ट्रैक्टर खरीद लिया है। धोनी ने लॉकडाउन के दौरान इस ट्रैक्टर को खरीदा और उसे अपने फार्म हाउस में चलाया है। बता दें, धोनी क्रिकेट के अलावा गाड़ी और बाइक्स के काफी शौकीन माने जाते हैं। कुछ दिन पहले ही धोनी को बेटी जीवा के साथ बाइक पर फार्म हाउस की सैर करते देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। पिछले साल धोनी ने भारतीय सेना की 20 साल पुरानी गाड़ी निसान जोंगा खरीदी थी। अब धोनी ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, जो कि बिल्कुल हैरान करने वाला नहीं है। आपको बता दें कि धोनी पहले ही ट्रैक्टर चलाते दिखे हैं। चेन्नई में साल 2018 में उन्हें ट्रैक्टर चलाते देखा गया था। यही नहीं, धोनी टीम इंडिया की बस भी चला चुके हैं। विवेक लक्ष्मण ने खुलासा किया था कि बतौर टेस्ट कप्तान अपने पहले मैच में धोनी ने नागपुर में टीम इंडिया की बस चलाई थी। वो मैच के बाद टीम को स्टेडियम से होटल लेकर गए थे। बता दें, धोनी के फैंस को उनकी वापसी का इंतजार है। धोनी साल 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। धोनी आईपीएल से क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले थे, लेकिन आईपीएल से पहले कोरोना वायरस फैल गया, जिसकी वजह से टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। फैंस चाहते हैं कि धोनी पहले की ही तरह क्रिकेट के मैदान में भी अपना जलवा दिखाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।